ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा और सियासत पहले से कई ज्यादा तेज होती जा रही है। सत्ताधारी पक्ष द्वारा 18 सितंबर से बुलाए गए 5 दिवसीय विशेष संसदीय सदन में इस बिल को रखने जा रहा है। संख्या बल को देखते हुए यह बिल पारित हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। विपक्ष इसका विरोध कर रहा है क्योंकि इसका सर्वाधिक फायदा केंद्र में सत्ताधारी सरकार को ही होता है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पहले ही इसका विरोध जता चुके हैं। वहीं अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भी उनके साथ आ गए हैं। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे ने इसे भारतीय जनता पार्टी की नौटंकी बताया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे ने एक देश एक चुनाव पर बीजेपी को आड़े हाथ लिया और निशाना साधा। सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार चाहती है कि लोकतांत्रिक भारत धीरे धीरे तानाशाही में तब्दील हो जाए। वन नेशन वन इलेक्शन पर कमेटी बनाने की यह नौटंकी भारत के संघीय ढांचे को खत्म करने का हथकंडा है। 2024 में लोगों के पास वन नेशन वन सॉल्यूशन है, भाजपा के कुशासन से छुटकारा पाना। वहीं एक देश एक चुनाव के मुद्दे का राहुल गांधी ने भी विरोध किया। कांग्रेस सांसद ने इसके बारे में सोशल मीडिया पर लिखा कि इंडिया यानी भारत यह राज्यों का संघ है। वन नेशन वन इलेक्शन का आइडिया संघ और राज्यों पर हमला है। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने एक देश एक चुनाव को बीजेपी की साजिश बताया है। स्टालिन ने कहा कि वे कहते हैं कि इससे चुनावी खर्च में कमी आएगी, लेकिन इससे पहले वे अपना भ्रष्टाचार रोके। स्टालिन ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को राजनीति से दूर रखने की सलाह देते हुए कहा कि केंद्र ने पूर्व राष्ट्रपति को कमेटी का अध्यक्ष बनाया है, उन्हें इससे राजनीति से दूर रखना चाहिए। जो कमेटी बनाई गई है वो बीजेपी की बात को ही फॉलो करेगी, यह तानाशाही है। वे INDIA से डर गए हैं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।